मॉर्निंग, हैप्पी गणेश चतुर्थी सबसे पहले। अभी दोपहर ऑलरेडी हो चुकी है। व्लॉग थोड़ा आज एक्चुअली लेट शुरू कर रही हूँ, उसका कारण ये है कि आज मंडे है पहली बात तो, ठीक है, गणेश चतुर्थी। सो मंडे को मेरा फास्ट होता है। पिछले लास्ट मतलब 3 मंडेज आई थिंक से मैं फास्ट रख रही हूँ, बिकॉज मेरे को मेरी जो हसू माया है उनकी रिक्वेस्ट आई थी दैट शी सेड दैट आई रियली फील यू शुड स्टार्ट फास्टिंग ऑन मंडेज। सो या सो मैंने सोचा ठीक है वाई नॉट। वो गणेश चतुर्थी है तो कुछ दोस्तों के यहाँ पे मेरे को दर्शन पे जाना है। आई कीप यू विद मी थ्रू आउट द डे। अभी हाँ बस थोड़ी तैयारी व्यारी शुरू करेंगे। आई एम गोन आयन माई क्लोथ्स, मेरे को जो पहनना है वहाँ जाने के लिए। ऑल्सो मैंने भी आज बालों में कर्ल्स डाले हैं, ये नो हीट कर्ल्स हैं बाय द वे। तो मैंने क्या किया आज सुबह ये डाले, मैंने सोचा नो हीट कर्ल्स एक तरीके से मैंने डाले हैं, मैंने कुछ सामान मंगवाया था वो मैं बाद में दिखाऊंगी, उससे मैंने ये नो हीट कर्ल्स डाले हैं। अगर मैंने सोचा था अगर ये मेरे सक्सेसफुल रहा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी मैंने कैसे किया है। सो जो कि सक्सेसफुल बहुत अच्छे से रहा है, मतलब इतनी अच्छी बीची वेव्स आ गई हैं। तो आई एम डेफिनेटली गोना शो यू गाइज हाउ आई डिड इट, मे बी इन सम अदर वीडियो, जब मैं कभी दोबारा डाल लूंगी मुझे मैं तब डाल लूंगी। अभी के लिए ठीक है, लेट्स गो एंड टेक आर डे फॉरवर्ड। सो दिस इज द सूट बेसिकली विच आई एम वेयरिंग। ये वाइट इसकी कमीज है और वाइट ही इसकी पैंट्स है और दुपट्टा इसका कलरफुल है। एक्चुअली मेरे को अभी किसी ब्रांड ने भेजा है, जस्ट रिसीव द पार्सल, तो अभी ट्राई नहीं किया है, टाइट लूज कुछ नहीं पता है, बट आई थिंक आ जाएगा सही, क्योंकि जो मैंने साइज बोला था उन्होंने वही भेजा है आई एम श्योर। तो या आई एम जस्ट गोना आयरन दिस एंड गेट बैक। देख लो ये आदमी कितनी चीज़ें खा रहे हैं, रोटी आलू मटर की सब्जी मेरी फेवरेट, और रायता भी पड़ा है और यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही हलवा भी गर्म होके पड़ा है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हारी बीवी का व्रत है और नहीं। सो गाइज इट्स टाइम दैट वी स्टार्ट डूइंग द मेकअप, क्योंकि आई थिंक लेट हो जाएंगे और क्योंकि मैं व्लॉग कर रही हूँ तो थोड़ा काम भी धीरे धीरे हो पाता है, तो इसलिए आई एम गोना स्टार्ट माई मेकअप क्विकली एंड देन गेट गोइंग। Alright, so we just got done with makeup और I don't know, मैंने ये जो golden liner लगाया है I'm not sure if I'm gonna keep it, अभी के लिए तो मुझे लग रहा है ठीक है, but I'm just quickly gonna change, तो I think वो पूरी जो look होगी उसके साथ शायद this will go, अभी red t-shirt के साथ बहुत अजीब लग रहा है, but let's see। Anyway, I'm gonna quickly go change and then get going। और ये देख लो आज फिर से मतलब बारिश बहुत तेज़ हो गई है, फिर से बारिश हो गई है। तो पहले मैंने सोचा था कि जो मैं पहन रही हूँ उसमें मैं एक अच्छी सी कोई पिक्चर भी करा लूँगी नीचे, बट आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल नाउ, तो अभी पिक्चर कैंसिल करनी पड़ेगी और सीधा जाना पड़ेगा। एंड वी ऑल सेट दिस इज हाउ इट लुक्स, आई थिंक इट लुक्स प्रीटी नाइस, पर मुझे गलतफहमी हो गई, मुझे लगा दुपट्टे में ना येलो कलर है लेकिन ये तो ऑरेंज निकला, मुझे लगा येलो है तो मैंने येलो लाइनर लगा लिया, बट आई थिंक दिस स्टिल गोइंग विद द होल लुक, आई थिंक आई एम गोना कीप इट लाइक दिस, आई थिंक या I think I'll keep it like this. Also, I'm very lazy to change the liner. So we are all set to leave and I'll see you downstairs. Show them my full look, ma. I hope it's looking nice. I had these orange juttis, I think they go really well with the look. Yeah, मैंने ना आईलाइनर चेंज ही कर लिया क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा था कि that's not me. मेरे को बताना कमेंट्स में गोल्डन अच्छा लग रहा था या फिर मैंने सही किया ये चेंज करके. अभी हो रही थी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब अभी हम लोग नीचे उतरे हैं तो बस वो 2 सेकंड के लिए जैसे रुकती है ना हमारे लिए रुकी थी ना जैसे exactly. कि बस आओ गाड़ी में बैठ जाओ, डोंट वरी भीगोगे नहीं, पर हमने फिर भी छाता उठा लिया था, वैसे तो गाड़ी में हमेशा छाता होता है, बट सिंस हम दो लोग हैं तो हमने एक छाता एक्स्ट्रा रख लिया था। सो अभी जो फाइनल है वो ये है कि हम तीन या चार लोग या तो जा रहे हैं, कमल को तो जितना मर्जी ले जाओ, हेलो तो बोल दो, Hi guys, how are you? Happy Ganesh चतुर्थी। कमल को तो कहीं पे भी ले जाओ, कमल तो पूरा दिन भी ऐसे कर सकता है कि, पर तुम्हारा व्रत भी नहीं है ना इसलिए। मेरा व्रत भी नहीं है, प्लस मुझे गणपति में जो प्रसाद मिलता है ना लोगों के घर जाके वो मोदक से लड्डू से तो कहीं भी जाके खा लूं चिट्टी बना। कोको मैं तो प्रसाद भी नहीं खा सकती, रात को खा सकती हूँ।
मैं तो अभी जो प्रसाद मिलेगा वो भी अच्छा, मैं पे ध्यान रखना, पता चले मैं गलती से प्रसाद खा लूं, मेरे साथ होता है ऐसे। मीठा खा लो कि चलेगा, वो पूरी आलू जो मिलते हैं ना वो मत खाना। हाँ अच्छा हाँ राइट राइट। तो सबसे पहला दोस्त जिसके यहाँ हम लोग जा रहे हैं उसका नाम है अंकित, मैं उसको काफ़ी सालों से जानती हूँ, मेरा फ्रेंड है वो। मैं उसको ऐसे आई थिंक हम लोग साथ में जिम किया करते थे, दैट्स हाउ आई नो हिम। बट यूजुअली हम लोग इतना टच में नहीं रहते हैं, हाई हेलो ही रहता है। बट लास्ट एक दो सालों से आई हैव बीन मेकिंग श्योर, अब तो कमल भी है, कि अंकित के यहाँ पे हम लोग गणपति पे चले जाते हैं, हमेशा मिलना भी हो जाता है। एंड ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन्स ऑफ गोइंग टू अंकित प्लेस इज अंकित अमेजिंग अमेजिंग फैमिली। कमल यू अग्री टू दिस? दैट्स द मेन रीजन वी गो टू अंकित हाउस, बिकॉज उसकी फैमिली इतनी स्वीट है, उसके मॉम, उसकी वाइफ, एवरीबडी सो स्वीट दैट हमें होता है कि यार मिल लेते हैं, साल में एक बार जरूर मिलना चाहिए। दिस इज करिश्मा, दिस इज अंकित, इसको तो आप जानते हो। सो मैं आप लोगों के यहाँ ऊपर आने से पहले आप लोगों की इतनी तारीफ करी थी और बता रही थी व्हाई डू आई कम हियर, आई डोंट कम हियर बिकॉज ऑफ अंकित, आई कम हियर बिकॉज ऑफ योर स्वीट फैमिली। आई स्वेयर इफ यू सी दिस व्लॉग आई हैव टोल्ड दिस नीचे, आई फील सो नाइस टू बी हियर ओनली बिकॉज ऑफ योर मदर, योर फादर, एवरीबडी सो स्वीट एंड करिश्मा आल्सो। थैंक यू। मैं क्यों नहीं आ पाऊंगी, मैं भी निकल जाऊंगी। तो अच्छा, तो मैं बता रही थी कि हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं। तो आई डोंट नो, कुछ लोगों को शायद पता होगा कि मैंने एक फिल्म की थी दो तीन साल पहले, एक हिंदी फिल्म थी फुल्लू नाम की। तो उसके जो डायरेक्टर हैं, वी आर स्टिल इन टच, एंड लास्ट गणपति भी हम उनके यहाँ पे गए थे और आज भी हम लोग जा रहे हैं। सो नेक्स्ट वी गोइंग देयर। अभी हैं हम लोग अंधेरी में, माहडा में आई थिंक, हाँ माहडा में है अंधेरी में। अभी हमें जाना है गोरेगांव उनके यहाँ पे। इसलिए हमें मिला है प्रसाद अंकित के घर से, इसमें कितने सुंदर गणपति जी हैं, वाओ, ये ऐसे आप रख सकते हो, बहुत सुंदर हैं। सो देयर इज अ लिटिल अपडेट दैट मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है करण, आई एम श्योर आप लोगों ने वो मेरे उस ट्रिप में देखा होगा जब मैं गुजरात गई थी कमल से मिलने। सो हिज फादर जस्ट डाइड, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मेक दिस व्लॉग आफ्टर दिस, कंटिन्यू दिस व्लॉग। And Karan was not even in India abhi, he was somewhere for a holiday out of India, so he's also catching the next flight and reaching tomorrow. So I think I'll be ending this vlog because I won't have, mera man nahi karega is vlog ko continue karne ka, so I hope you guys understand. Good morning guys. पहले मैंने सोचा था कि मैं अपना व्लॉग कल रात को, वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, उस पर ख़त्म कर दूंगी, बट आई थॉट मैं इसको एक प्रॉपर एंडिंग दे देती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ एग्जैक्टली कल क्या हुआ। सो आप लोगों ने देखा था जब हम लोग अपने पहले फ्रेंड के घर गए थे, उसके बाद जब हम लोग अभिषेक, जो मैंने बताया था मेरा एक फिल्म का डायरेक्टर था, उसके घर के लिए निकल रहे थे, तो हमें आधे रास्ते पहुँच चुके थे। तो हमें जो करण मेरा दोस्त है जिसके फादर की डेथ हुई, उसकी भाभी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे अंकल इज नो मोर। तो आई नो आप लोगों को लगेगा अरे फ्रेंड के फादर हैं, बट अंकल से ना हम लोग बहुत, अंकल और आंटी से हम लोग कनेक्ट करते थे मुंबई में। आपको पता है बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मुंबई के ही हों, ठीक है, और किसी आउटसाइडर जो मुंबई के लोग नहीं हैं उनके लिए इतना प्यार दिखाएं कि उनको अपने घर में बच्चों की तरह खिलाएं। और आपको पता है जब हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी, पता नहीं वो व्लॉग देखा है नहीं देखा है, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स देखी है नहीं देखी है, बट हमने किसी फ्रेंड के टेरेस पे जाके वो सारी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। कोई नहीं करता है कि कोई बोले कि आओ हमारे घर में पार्टी कर लो, अपने मेहमान बुला लो, कोई नहीं करता, दे आर दोज काइंड ऑफ पीपल। ओके, करण से अटैचमेंट उतना नहीं है जितना उसकी मम्मी और फादर के लिए हम फील करते थे, मतलब कमल और मैं बहुत अच्छा फील करते थे उनके लिए। उनके साथ ऐसे होता था यार कि हम बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, ज्योति चल करण क्या चलते हैं खाना खा के आते हैं और उनसे उस बहाने मिलना होगा, तो वो वैसे वाला रिश्ता था हमारा उनसे। और अभी थोड़े दिन पहले, थैंक गॉड थोड़े ही दिन पहले हम लोगों ने सोचा था कि यार हम लोग बहुत बार जाते हैं उनके यहाँ, कभी आंटी अंकल को ऐसे
प्यार से रिस्पेक्ट से उन्हें कभी हमने अपने घर नहीं बुलाया है. तो थैंक गॉड अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि बुलाते हैं, और अंकल को आंटी को हमने बुलाया, वो आए. हम लोग रात के 2-3 बजे तक बैठे रहे. मैंने मोस्टली सारी चीज़ें मैंने बनाई थी उस दिन डिनर के लिए. तो वी फेल्ट वेरी नाइस. थैंक गॉड, मतलब ऐसे लगता है थैंक गॉड उनको एक बार हमने अपने घर बुला लिया था. और कमल के साथ इतनी अच्छी अच्छी डिस्कशंस हुई थी उनकी, फिल्म्स को लेके, क्रिकेट को लेके. अंकल वॉज अ नॉलेज बैंक ऑफ एवरीथिंग. अंकल से किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते थे. दैट्स वाई, सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वाई हमें इतना फ़र्क पड़ा, मुझे इतना फ़र्क पड़ा कि मैंने ब्लॉग करना बंद कर दिया. क्योंकि मुझे ऐसा लगा, ऐसा नहीं है कि मेरा दिन आगे नहीं गया, मैं गणपति पे नहीं गई. मैं गई गणपति पे, हमने जहाँ जहाँ भी प्रॉम, उसका कारण मेन ये भी था गणपति पे जाने का, क्योंकि हमने भाभी से, जब हमें फ़ोन आया बताने के लिए, भाभी से फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया वो यही किया कि क्या हम अभी आ सकते हैं प्लीज़. उन्होंने हमें साफ साफ रिक्वेस्ट यही किया कि ज्योति सच्ची बोलूँ आज नहीं कल आना. एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टूड दैट, क्योंकि यार माहौल कैसा होगा कैसा नहीं होगा. तो उन्होंने बोला नहीं ज्योति, मैंने तुम बताया, उसके बाद दोबारा फ़ोन किया उनको, भाभी क्या हम प्लीज़ अभी आ जाए. तो उन्होंने बोला कि ज्योति प्लीज़ मानो कल आओ, आराम से टेंशन मत लो. एनी वे आई वी केप्ट इन टच, रात तक भी मेरी भाभी से बात होती रही. तो एनी वे वो भी मेन रीज़न था कि हमने गणपति आगे कंटिन्यू किए, क्योंकि हम वहाँ तो जा ही नहीं सकते थे. तो हमने जिन जिनको भी प्रॉमिस किया था कि हम आ रहे हैं, वी थॉट कि कोई बात नहीं हम जाते हैं और दर्शन ही तो करते हैं. सो आफ्टर दैट वी वेंट टू अभिषेक्स प्लेस, और फोटोज़ में लगा देती हूँ जो भी उन लोगों ने लिए. अभी अभी मेरे पास फ़ोन में फ़ोटोज़ आई हैं, अभिषेक और अंबिका ने मुझे फ़ोटो भेजी है. तो वहीं पे मेरा फास्ट भी एक्चुअली खोला मैंने. और गणपति में यूजुअली ऐसा होता है निकलते हुए, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि पहले दोस्त ने भी ऐसे गिफ्ट दिया था ना, तो वो दिखाती हूँ पहले. ये हैं गणपति जी, बड़े ही सुंदर हैं यार, बहुत प्यारे हैं. तो ये दिया, और उसके बाद जब हम अभिषेक और अंबिका के यहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने जो दिया वो मैं बताती हूँ. कुछ फ्रूट्स दिए, फ्रूट्स के साथ बड़ा ही थॉटफुल गिफ्ट है. ओह गॉड, मतलब ये इतना प्यारा चीज़ है. तुलसी जी, वाओ वाओ वाओ. तो ये मैं बहुत खुश हूँ, ये मुझे मिला, ये प्रॉपर सेट तैयार मिला है, मतलब इसको सिर्फ मुझे रखना है. एंड अगर आप लोगों को पता है कि तुलसी जी की केयर कैसे करते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बता दो. सिर्फ पानी देते हैं, और पानी देते हैं तो कितने गैप के बाद देते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है. एंड आई डोंट वांट तुलसी जी टू सफ़र बिकॉज ऑफ माय फॉल्ट. तो मुझे बता देना गाइस कि कितने कितने टाइम पे तुलसी जी को पानी देते हैं. और ऐसे कुछ भी आइडिया के लिए मत बोलना, हो सके तो अपनी मम्मी से पूछ के, दादी से पूछ के फिर ही मुझे कॉमेंट्स में बताना. एंड देन उसके बाद हम लोग गए रिया के यहाँ, क्योंकि रिया के हमने प्रॉमिस किया था कि हम आरती पे आएंगे. तो थैंकफुली हम लेट नहीं हुए, हम लोग फिर आरती के लिए गए और वहाँ पे आरती करी. उसकी भी एक दो क्लिपिंग्स हैं मैंने रिया से मंगाई हैं, अभी आई नहीं है, आ जाएंगी तो मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे अटैच कर दूँगी, तब तक ऑब्वियसली आ जाएंगी जब तक मैं ये वीडियो को पोस्ट करूँगी और एडिट कर रही होंगी. बस कुछ नहीं, घर आके फिर हम लोग सो गए, अभी उठे हैं. एंड आई थॉट आई एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एंड हाउ द डे वेंट. आई सो वांटेड टू शो यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस एट गणपति, पता है, क्योंकि ये इतना बड़ा त्यौहार, जैसे पंजाब में ऐसे होता है ना कि विसाखी आ जाए या लोहड़ी आ जाए तो बहुत बड़ा. ऐसे मुंबई में, महाराष्ट्र में, मतलब मुंबई में तो बहुत ज़्यादा ही गणेश चतुर्थी, मतलब ये विसर्जन तक जितने भी दिनों का ये रहता है, मुंबई का माहौल ऐसे होता है कि बस फेस्टिवल चल रहा है, सबको पता है. उस वजह से बहुत तकलीफें होती हैं, ट्रैफिक बढ़ जाता है, ट्रैफिक रुक जाता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं. बट ठीक है, अब लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द गुड पार्ट. लोगों में बहुत जोश होता है इन दिनों के लिए, और बहुत श्रद्धा से लोग करते हैं, मनाते हैं अपना त्यौहार. तो ठीक है, आई डोंट वांट टू क्रिब अबाउट व्हाट हैपेंस, गलत वाली चीज़ें. तो एनीवे, दिस इज़ हाउ द डे वेंट, दिस इज़ हाउ इट इज़. आई सो वांटेड टू शो यू ऑल ऑफ दैट, बट ठीक है, नहीं दिखा पाई, कुछ नहीं होता. आज हम लोग जा रहे हैं फाइनली, अभी मतलब अब मैं बस ये एंडिंग करूँगी और फिर आपके घर पे जाएंगे, जैसे ही करण पहुंच जाएगा या उससे पहले या उसके बाद, लेट्स सी. एक बार अभी मैं भाभी से बात करूँगी, भाभी कितने बजे आए एग्जैक्टली. ओह गॉड, तो और कुछ मैं नहीं करने वाली हूँ आज. मेरे को अपनी एक वीडियो शूट करनी थी लिपस्टिक्स वाली, टॉप 5 लिपस्टिक्स आज शूट करनी थी, बट मैं नहीं कर रही हूँ. आई होप यू अंडरस्टूड, इफ़ यू डिड देन प्लीज़ लाइक थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग.
I'm being just very honest. So yeah, thank you guys so much for watching this vlog. आप लोगों ने मुझे दो एक दो चीज़ें बतानी है, ठीक है? एक तो vlog कैसा लगा वो तो obviously आप बताओगे. Also please send prayers for Karan's dad. And third चीज़ है कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि तुलसी जी की देखभाल कैसे करते हैं, ठीक है? तो ये तीन चीज़ें आप मुझे बताओ comments के अंदर. Thank you so much for watching guys. I'll see you in my next vlog.